हेलो स्टूडेंट्स बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम चलते हैं क्लास इंटर के हमारा जो टॉपिक था कॉलम्स ला, उसमें हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और अगर चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है तो हमने उसके स्टडी की थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं उसमें। अगर चार्जेस जो हैं, दो चार्जेस हैं, उनके बीच में सपोज करें कोई मीडियम है, जैसे कि एयर है या कोई कंडक्टर है या कोई नॉन कंडक्टर है, उनके बीच में कोई मीडियम रखते हैं तो क्या फोर्स होगा, फोर्स पे असर क्या होगा, हम अब उसकी स्टेट करेंगे। ठीक, उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और इस लेक्चर को लाइक भी कर दें, उसके बाद बेल आइकन पे दबा दें ताकि हमारे आने वाले केमिस्ट्री फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जो है कॉलम्स ला इनटू मीडियम। बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉलम्स ला एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू चार्जेस के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, टू चार्जेस जैसे क्यू वन ले लेते हैं प्लस क्यू टू लेते हैं प्लस, सेम चार्ज है, फोर्स कौन सा होगा इनके बीच में, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो ये दो चार्जेस हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है और इस डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो कॉलम्स ला इन अ फ्री स्पेस, ये जो था ये हमने फ्री स्पेस में पढ़ा, फ्री स्पेस में जिसकी इक्वेशन है एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि जो के होता है बेटा, इसको आप कॉलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, जो बराबर होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर, ये परमिटिविटी क्या होती है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर चार्जेस के बीच में वो नेचर जो फ्री स्पेस को जस्टिफाई करे, चार्जेस के बीच में कुछ भी ना हो, फ्री स्पेस हो सिर्फ, तो उसको आप बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, के चार्जेस को कितनी परमिशन देती है अमाउंट ऑफ फोर्स इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में या नेचर ऑफ फोर्स को बयान करने में। ठीक, तो आप इस इक्वेशन को के का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम चलते हैं अगर डायरेक्शन को शो करें, व्हेन वी डिफाइन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो कोई मुश्किल नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर को आप आर से शो करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप इसका जो है किसके जरिए डिफाइन करेंगे, कैन बी डिफाइंड बाय यूनिट वेक्टर, आप यूनिट वेक्टर यूज करें, यूनिट वेक्टर को आप आर से शो करते हैं, आर इसके ऊपर हेड देते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू कोई भी वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड होता है तो मिल जाता है क्या हमको, यूनिट वेक्टर, व्हिच मींस के वन हुज मैग्नीट्यूड इज वन। और यूनिट वेक्टर काम किसके आता है, इट शोज डायरेक्शन, ये किसी भी क्वांटिटी का डायरेक्शन शो करता है, वेक्टर क्वांटिटी का। तो ये भी कॉलम्स फोर्स जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये भी जाहिर सी बात है फोर्स है, तो इसका डायरेक्शन हम आर से शो करेंगे। तो आप किसे शो करेंगे, आपने पढ़ा है एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर रख लें यहाँ पे आर हेट, ये आपका हो जाएगा, इसको आप बोलते हैं डायरेक्शनल कॉलम्स ला, इसको आप क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कॉलम्स ला, कि ये डायरेक्शन को शो करता है, ये आर शो करता है इसको, यूनिट वेक्टर को, डायरेक्शनल कॉलम्स ला। आई बात समझ गए, तो अगर आप अब के बराबर किसके होता है, एफ इज इक्वल्स टू के, के बराबर होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद आप रखेंगे क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे रख देंगे हेट, स्केप से आप शो करेंगे, आप डायरेक्शन कॉलम्स ला को ऐसे भी शो करते हैं के का वैल्यू यहाँ पे पुट करके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कॉलम्स ला इनटू मीडियम की तरफ।
के मीडियम जो होगा उसमें कोलॉस लाइट को हम कैसे करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कूलम्स ला इंटो मीडियम। बेटा ये मीडियम का मतलब क्या है? मीडियम का मतलब है कि चार्जेस के बीच में कुछ पड़ा हो, कोई कंडक्टर हो, कोई नॉन कंडक्टर हो, या इंसुलेटर हो, आई बात समझ में, या उनके बीच में एयर हो, यानी कोई चीज मौजूद हो, दोस्तों आप कहते हैं कूलम्स लॉ इनटू मीडियम। तो मीडियम में फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा तो वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं, सपोज करें आप ये दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव करने आप इसको, इसको आप बोलते हैं Q1, Q2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है आप इसको बोलते हैं R1, और ये जो एरोज हैं ये शो क्या कर रहे हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो है रिपल्सिव फोर्स। पर यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने फ्री स्पेस रखा था, इनके बीच में कुछ भी नहीं था, तो आप उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट से शो कर रहे थे। लेकिन यहां पे सर है ना, यहां पे कुछ होगा, फॉर एग्जाम्पल इनके बीच में मैं कोई मेटल रख देता हूं, आई बात समझ में, तो वो मेटल रख देते हैं हम, कौन सा, कोई भी मेटल रख देते हैं, सपोज करें गोल्ड को लाते हैं, तो मेटल रख दिया। अब ये जो मेटल रखा है मैंने, ये एक मीडियम है, ये किसको शो करता है, मीडियम को। या दूसरा एग्जाम्पल दो आपको, ये Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस में चार्जेस के बीच में अब जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, तो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में सपोज करें अब मैं एयर फिल कर देता हूं, अब यहां पे एयर मौजूद है, आई बात समझ, तो अब ये एयर भी है तो मीडियम है ना, तो यहाँ पे मीडियम है गया। तो मीडियम के आने से फोर्स पे इफेक्ट होगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो इक्वेशन है इसकी वो भी अलग होगी। तो यहाँ पे वहां पे आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज करेंगे, यहाँ पे आप परमिटिविटी इनटू मीडियम यूज करेंगे। तो इसको लिख लें, मैं कूलम्स लॉ इनटू मीडियम की इक्वेशन लिखो, इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स अब आप ये देख रहे हैं कि इन दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखा है मैंने, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन पर जो मीडियम के लिए होगी। तो कूलम्स लॉ इनटू मीडियम की इक्वेशन जो आप लिखते हैं वो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन हमारी मौजूद होती है। लेकिन ये जो यहाँ पे K है ना, K बराबर होता है 1/4 pi epsilon k, किसके, epsilon के। अब ये epsilon क्या है, ये epsilon अब जब आप देखेंगे तो आप समझाएंगे कि इनके बीच में अब मीडियम मौजूद है। epsilon नोट को आप देखेंगे, epsilon नोट which is known as permittivity of free space, means के कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। अब epsilon को देखेंगे आप समझेंगे कि ये मीडियम मौजूद है, तो कूलम्स लॉ इनटू मीडियम को हम epsilon से शो करते हैं, epsilon नॉट की जगह आप यहाँ यूज करते हैं epsilon, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख दें, F is equals to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square, और बेटा ये आपकी इक्वेशन हो जाती है इनटू मीडियम की, कूलम्स लॉ इनटू मीडियम की, ठीक है। 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square, फ्री स्पेस में आप क्या कर रहे थे, 1/4 pi epsilon not Q1 Q2 upon R square, यहाँ पे जो आप यूज करेंगे 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। सर ये epsilon क्या है, epsilon परेशान होने की बात नहीं, इसको आप बोलते हैं परमिटिविटी इनटू मीडियम, के मीडियम की परमिशन क्या है, जब दो चार्ज के बीच में मीडियम है तो क्या परमिटिविटी होगी, फोर्स का असर क्या होगा,
इसको आप चलते हैं। और जो एप्सिलॉन खुद है ना, ये एप्सिलॉन खुद बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो आप कहेंगे कि जो एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी इनटू मीडियम इज प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी का प्रोडक्ट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहां पर है एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो बेटा ये एप्सिलॉन आर मींस कि एप्सिलॉन है परमिटिविटी इनटू मीडियम इज प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। किसकी रिलेटिव परमिटिविटी का जो वो प्रोडक्ट है उसको आप बोलते हैं एप्सिलॉन। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है सर? ये रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर शुरू करती है रिलेटिव परमिटिविटी को। तो इसकी भी मैं इक्वेशन आपको लिख देता हूं। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन ऑल फाइंड करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेगा तो हो जाएगा डिवाइड बेटा। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी एप्सिलॉन आर। तो आप इसको बोलेंगे, इसको एप्सिलॉन आर को आप बोलेंगे परमिटिविटी इनटू मीडियम और परमिटिविटी इनटू फ्री स्पेस का रेशियो जो होता है आप उसको बोलते हैं परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी मींस के जाहिर सी बात ऐसे साबित होता है ये रिलेशन को शो करती है क्या जिसके बीच में फ्री स्पेस और उसके बाद में मीडियम जो होता है उसके रिलेशन को आप बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो जाहिर सी बात है आप जो कोलम्स लाइन टू मीडियम की इक्वेशन जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन की जगह आप लिख दें एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर एंड Q1 Q2 / r² तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी कोलम्स लॉ की। ये भी होगी मीडियम में 1/4 pi क्योंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 / r². तो दैट इज अ सिंपल कांसेप्ट, कोई भी इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो अब मैं लास्ट चीज लिख देता हूँ आपको नोट करनी है, इट इज द एंट्री ट्रिक। और आपको ये नोट करना है इससे क्वेश्चन आता है। अब ये लास्ट जो बात मैं कहूंगा आपको इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं लिखता हूं कुछ स्टूडेंट्स जो है और एंट्री टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जब होगा तो उसमें फोर्स का असर ज्यादा होता है या मीडियम में ज्यादा होता है। तो बेटा आप समझ लें, मैं सपोज करें लिख द फोर्स इज लेस into a medium between two charges than free space. Free space अगर charges के बीच में होगा उससे medium का force जो होगा उसको असर कम होता है क्योंकि उनके बीच में मीडियम है वो उसके फोर्स को रिड्यूस करता है। तो इसकी वजह से आप बोलेंगे कि फ्री स्पेस में जो हमारा फोर्स है वो ज्यादा होगा। तो आप ऐसे शो करेंगे, सपोज करें मैं एफ डैश से शो करता हूं फोर्स बिटवीन चार्जेस इनटू मीडियम को, ठीक है, और एफ से शो करता हूं फ्री स्पेस फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे एफ डैश लेस देन एफ मींस के जो परमिटिविटी इनटू मीडियम का फोर्स है वो फ्री स्पेस के फोर्स से कम होता है, या इसको आप अपोजिट लिख सकते हैं जो परमिटिविटी एफ जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे एफ
स्पेस से, ऐसे देख सकते हैं कि फ्री स्पेस का जो फोर्स है वो ज्यादा होता है, यानी फ्री स्पेस फोर्स जो है वो ग्रेटर होता है परमिटिविटी इनटू मीडियम वाले फोर्स से, या जो परमिटिविटी इनटू मीडियम का फोर्स है वो फ्री स्पेस के फोर्स से होता है वो कम होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आप जैसे कि देख सकते हैं सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सच पूछे तो मैं जो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं कोचिंग पे उनको भी इतना डिस्क्रिप्शन से इतना वाजे डीपली नहीं समझाता, तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ जैसे कि आप मेहनत करें, आप कन्फ्यूज ना हो, आप एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करें और उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको डिफिकल्टी ना हो। जो भी फिर टेक्स्ट हैं, फिटर हो, पंजाब हो या उसके बाद में सिंध हो, मैं तीनों को ही फॉलो करता हूँ, आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करें कि हमारे लेक्चर्स अटेंड करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो दूसरे लेक्चर में आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।